जय हिंद दोस्तों, अभी हमारे सामने यहाँ पर अग्निवीर के फर्स्ट बैच के एग्जाम देकर बच्चे यहाँ पर बाहर आ चुके हैं। और चलिए इनसे इनका व्यू लेते हैं कि एक क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए। आपने थोड़ा सा लेट बोला लेकिन दिल छू गया मेरा, जो आपने लाइन बोली हुई है मेरे से इसके बारे में मॉडरेट पेपर आएगा, मॉडरेट पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पीडीएफ में पढ़ाया गया, इन्होंने जो पढ़ाई की थी वही आया, सिलेबस आया या नहीं आया हुआ, जीके के कितने क्वेश्चन इनके करेक्ट बैठे हुए, जो पढ़ाई की हुई थी इन्होंने, या मैथ्स या रीजनिंग या साइंस। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि मैथ्स टफ था या फिर नॉर्मल था। मैथ्स से एवरेज था, मीडियम था। कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैथ्स का याद हो? अच्छा, संख्या पूछी, संख्या के बारे में। और जीके का कोई क्वेश्चन? जीके का इतना टफ नहीं था, वो भी एवरेज था, उसमें बी जाना। करंट अफेयर्स के बारे में ठीक ठाक, बहुत आसान है जी। तो अभी आपने क्या करा उसके अंदर? उसके अंदर मैंने किया था वो पटेल थे, पूरा नाम याद नहीं, मतलब वहाँ पर जब ऑप्शन था वहाँ पर आपने वहाँ से आसानी से कर दिया। वहाँ पर क्या उनका नाम जो था वो डिफिकल्ट था, बट पटेल याद है। पटेल, अच्छा सामने उनका पटेल था, मतलब आपको लगता है कि करके आए हैं यहाँ पर। चलिए बहुत अच्छी बात है। विटामिन के बारे में कुछ पूछा? कैल्शियम के बारे में था, जल जल के वो विषाणु के बारे में पूछा था, जल के विषाणु के बारे में पूछा था, साइंस बता रहा है। और कुछ क्वेश्चन याद है? पेपर कैसा गया? ठीक है, एवरेज एवरेज। तो लगभग कितने अटेम्प्ट किए आप लोगों ने? 50 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट तो हमने सारे किए, कुछ जो नहीं थे उनमें तुक्का लगाया। तुक्का लगाया? आपको पता है कि इंडियन आर्मी के अंदर माइनस मार्किंग होती है, उसके बावजूद भी इन्होंने तुक्का लगाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है ये तुक्का नुकसान देगा? तो नुकसान देगा, लेकिन अब छोड़ के भी नहीं आ, नहीं छोड़ के आते तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर। हम नहीं, हमें लगा कैसा लगा कि हाँ ये हो सकता है। अच्छा, मतलब इतना, मतलब अगर 100% में आपको 75% बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको इतना लगा है 70% तो आप बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है। आपने कितने अटेंड किए? 45 किए थे मेरे। और कितना लगता है आपको कितने करेक्ट आए होंगे? करेक्ट बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को पीडीए परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्दी फौजी बनने वाले हैं। हमारा इंटरव्यू तो आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, और जब आप फौजी बन जाए तो कोशिश करिएगा कि हम लोगों से जरूर जुड़े, पता चलेगा हमको भी कि हमने आईपीएस इंदौर में जाकर आईपीएस अकेडमी में जाकर आप लोगों का इंटरव्यू लिया था, और आज वो बच्चा फौजी बन गया है, तो दिल बड़ा खुश होगा। और पीडीए परिवार हमें तो चाहेगा कि आप लोग ऐसे ही हमें मेहनत करो, अगर देश की आप मेहनत करने का तो टाइम रहा नहीं उनका। नहीं नहीं, अगर आपने सही में मेहनत की है तो आपको देश की सेवा करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त। ये बात तो है, आपकी जो लाइन है, आपने थोड़ा सा लेट बोला लेकिन दिल छू गया मेरा, जो आपने लाइन बोली हुई है। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, वाले कह रहे थे मेरे से इसके बारे में फौजी हो, मॉडरेट पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पीडीएफ में पढ़ाया गया सर, आसान लेवल पर क्वेश्चन पेपर था, और बहुत ही आसान क्वेश्चन थे सर। तो अब आपने पीडीए का नाम ले लिया है, और आपको अच्छे से बताया कि पीडीए का ही चैनल है, और आपने पीडीए की क्लास का नाम ले लिया, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो वहाँ पर पढ़ाई की है जी वही क्वेश्चन आए? जी सर, उसी के कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। तो 50 में से कितने अटेम्प्ट किए? सर मैंने 39 अटेम्प्ट किए, तुक्का एक भी नहीं लगाया सर। अच्छा, तुक्का नहीं लगाया, मैं वही समझा रहा था कि तुक्का नहीं लगाना चाहिए था। मुझे लगता है जहाँ तक ये जो तुक्का है ये आपको बहुत नुकसान दे सकता है, लेकिन गलत भी नहीं है, 75% वो कन्फर्म था, तो इतने में आप रिस्क ले सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे फर्स्ट अग्निवीर जो एग्जाम देकर आए हुए हैं, और चलिए और भी बाकी कमांडो से भी मिलेंगे। और चलिए बेटे, एक बार फिर अगेन आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक पीडीए परिवार की तरफ से, और आप सभी फौजी बने, ठीक है, और आप लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की होगी। जय हिंद जय हिंद।